मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा के दौरान शहडोल के एडीजीपी डीसी सागर की फिटनेस को लेकर उनकी तारीफ की है। सीएम ने कहा कि यदि फिट रहना सीखना है तो शहडोल एडीजीपी डीसी सागर से सीखो। सीएम से मिली तारीफ के बाद एडीजीपी बहुत ही खुश है, जो अब लोगों को फिट रहने की टिप दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा के दौरान फिटनेस को लेकर पुलिस विभाग के दो बड़े अधिकारियों को जमकर तारीफ की, जिसमें शहडोल के एडीजीपी डीसी सागर भी शामिल है। सीएम ने कहा कि यदि फिट रहना सीखना है तो डीसी सागर से सीखो। सीएम से मिली तारीफ के बाद एडीजीपी बहुत ही खुश हैं, जो अब लोगों को फिट रहने की टिप दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य को लेकर जो बात कही है, जिसमें उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं कि यदि आपको स्वास्थ्य देखना है तो स्वास्थ्य के प्रति जो आपको संवेदनशीलता रखनी है तो आप डीसी सागर एडीजी शहडोल जोन को देखिए, या फिर जो एसीपी हैं भोपाल के श्री अतुल सचिन अतुल कर को देखिए। तो ये एक संकेत मात्र है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया है, कि सोचने मजबूर कर दिया है जनता को कि वो अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहे, अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। नाम हमारा जो लिया है लेकिन काम वो मध्य प्रदेश की पूरी जनता से करवाना चाहते हैं कि हमारी पूरी जनता स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कोविड 19 की जो महामारी है दोबारा आने की कोशिश कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। शहडोल रेंज के एडीजीपी डीसी सागर खुद को फिट रखने के लिए 56 साल की उम्र में भी अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और उसके बाद सुबह की सैर, योग, व्यायाम इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। मुख्य रूप से खान पान पर विशेष ध्यान रखते हैं। उनका कहना है कि वे अपने शरीर से बेहद प्यार करते हैं, शायद यही कारण है कि वे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और आज वे फिट हैं, जिसका नतीजा है कि आज फिटनेस को लेकर सीएम ने उनकी तारीफ की, जो अब लोगों के लिए आइडियल बन गए हैं। उनकी फिटनेस व उनके अंदाज से वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।